शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से मकसद ये रहा है कि वो कम्युनिटीज़ जिनको माशरे के अंदर जो है मुश्किलात का सामना होता है उनकी हैंड होल्डिंग हुकूमत को करनी चाहिए। और अगर हम ख्वातीन की बात करें तो ख्वातीन के राइट्स के लिए जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो विरासत में हिस्सा देने से लेके उनको जॉब्स में 33% कोटा देने से लेके जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल पास करा के पहला सेंटर मुल्तान में बनाने से लेके अगर हम जिक्र करना शुरू करें तो अल्लाह के फजल से हमारी कमिटमेंट नज़र आती है जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया। मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है इसके तहत इस साल हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हर साल हम लोन्स देते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के ज़रिए। आज के दिन तक जो है 176 बिलियन जो है रुपीज़ का लोन दे चुके हैं और सिर्फ इस साल का टारगेट हमारा पहले 100 बिलियन था लेकिन जो अब बढ़ है, लेकिन उसमें जो ख्वातीन की नुमाइंदगी है या जितना ख्वातीन ने लोन लिया वो 11% है। इस साल हमारी कोशिश है कि वो कम से कम 33-35% तक आप लोग ज़रूर पहुँचें। और हम फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो ट्रांसजेंडर्स मतलब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपने पैरों पे खड़े हों और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपके साथ खड़ा है, आपको पूरी सपोर्ट देगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग चाहे कोई फील्ड है, चाहे एजुकेशन है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे आर्ट्स एंड कल्चर है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, आप लोग कोशिश करें, हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको आगे आने का मौका देंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है उन हालात में हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो आप लोग हैं, जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप लोग पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हैं, ये हमने दुनिया के सामने लेकर आना है और मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल करना है। और पाकिस्तान की खुशहाली इसमें है कि जब आप लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, जब आप लोग एम्पावर होंगे, जब आप लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आई थिंक इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री हैज़ टू कंट्रीब्यूट एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एजुकेटिंग गुड मदर्स विदाउट मेकिंग अस रियलाइज दैट इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अलोन, इट्स फंक्शन ऑफ इट्स माई फंक्शन एज अ फैमिली मेम्बर, इट्स माई फंक्शन एज अ हेड ऑफ a family or as a partner of a family, it's everybody's role to see that what is the real Pakistan, what is the real values, what are the responsibilities, and hold himself herself accountable or personal accountability that whether we are respecting, we are really contributing towards the dignity, honor and pride of the people of this country and around the world.